भाई लोग चेक करो लोग अपनी बीमर का भाई बीमर ही बोलेगा ना, BMW बन चुकी है अपनी GT। नहीं बहुत एंटिक लग रही है, एंटिक का ही पीस लग रहा है। वही मैंने सोचा था आप लोगों को पसंद आनी चाहिए, मुझे आए ना आप लोगों को पसंद आनी चाहिए, सही है ना। GT सोचे भी नहीं रही कि GT BMW में तब्दील हो जाए। हेलमेट लगा के लग रही है तो मिल गया लेकर। अरे अंकल जी क्या बात, यस BMW। हेलो रेसर फोर्स, दिस इज लकी द रेसर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो भाई लोग, तुम्हारे भाई ने पहन लिया BMW मोटर स्पोर्ट टी शर्ट, और वो क्यों पहना है, क्योंकि अपन ने अपनी GT को भाई रैप कराया है, BMW कैफे रेसर बना दिया अपनी GT को अपन ने। तो आज मैं जा रहा हूँ कुछ शूट वगैरह कराऊंगा, और अभी ना भाई मैं लेके निकला नहीं हूँ ज्यादा, कल जब मैं लेके आ रहा था ना रैप करा के, भाई क्या रिएक्शन मिल रहे थे यार, लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था भाई मैं कोई नई गाड़ी लेके जा रहा हूँ। और हमने जिस तरीके से काम कराया ना भाई, जिस बारीकी से काम कराया भाई, कोई बोलेगा नहीं कि गाड़ी BMW की नहीं, और कोई मानेगा भी नहीं कि रॉयल इनफील्ड। तो अभी मैं जाऊंगा भाई अपने कुछ दोस्तों भाइयों से मिलूंगा और घूमूंगा, देखते हैं कैसा क्या रिएक्शन मिलता है, शूट वगैरह भी कराना है हमको। तो इसलिए मैंने भाई देखो BMW मोटर स्पोर्ट पहना हो भाई टी शर्ट, बहुत मजा आएगा, तो वीडियो पर बने रहना। और भाई जो हमने रैप कराया उसकी वीडियो भी आप लोग चेक कर सकते हो, इसके पहले वही वीडियो डाला था मैंने, लेकिन अभी इस वीडियो पर बने रहो, इस वीडियो को पूरी देखना। मेरे दिमाग में क्लिक हुआ था कि यार मुझे ऐसा कुछ कराना है, जैसे कि आप लोगों को तो मालूम भाई तुम्हारा भाई दीवाना है BMW M1000 का, BMW का जो ग्राफिक्स होते हैं उसका दीवाना ही हूं भाई मैं, और मैंने फाइनली अपनी GT में करा लिया। और गाइस मेरे बाल ना बहुत ज्यादा बिखरे हैं, वो तो बिखरे ही रहते हैं, सेट करता नहीं, फिर अभी हेलमेट पहनूंगा, फिर अभी बाल खराब हो जाएंगे। तो चलो अभी यहाँ ज्यादा बातें नहीं करनी, GT को निकालते हैं बाहर, फिर मोटर ब्लॉग में बात करता हूँ। भाई लोग चेक करो लोग अपनी बीमर का भाई बीमर ही बोलेगा ना, BMW बन चुकी है अपनी GT, देख रहे हो भाई कितना प्यारा लग रहा है लोगों, कहीं कहीं से बस थोड़ा सा रैप उखड़ रहा है, वो मैं सही करूंगा अच्छे से। बाकी लुक देखो यार कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है यार, कौन बोलेगा भाई GT, बस इंजन में रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है बस। बाकी जो अपन ने काम कराया ना भाई बहुत साफ सफाई से कराया, बहुत प्यारी लग रही है अब। और आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। अभी मैं जा रहा हूँ भाई लोग, मेरी तो इससे नजरें ही नहीं हट रही है भाई लोग, देखो चारों तरफ से देखो आप लोग कितनी प्यारी लग रही है। पहले ब्लैक थी, अब सही है ना, बहुत गजब लग रही है, अच्छी लग रही ना। BMW का अपन ने कैफे रेसर बनाया है, इसको मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थी ये चीज। नहीं बहुत एंटिक लग रही है, एंटिक का पीस लग रहा है। वही मैंने सोचा था आप लोगों को पसंद आनी चाहिए, मुझे आए ना आप लोगों को पसंद आनी चाहिए थी, तो आप लोग हाँ तो वैसे ही पसंद है। और इसके ऊपर से BMW का भैया की वीडियोस कॉल रोज ही देखते हो, अरे क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार, अच्छी लग रही है ना वीडियोस। ठीक है ठीक है, फिर तो अपने भाई लोग मिल गए थे, तारीफ करी GT की कि मस्त लग रही है, अभी और रिएक्शन लेते हैं। तो अपने जो भाई लोग हैं ना, जो अपनी रेसर फोर्स के बंदे हैं भाई, उनको पता है कि GT कौन सा कलर की है, वो लोग देख रहे हैं भाई की वाइट हो गई है, प्लस BMW के ग्राफिक्स हो गए, तो समझ रहे हैं। देखो जैसे कि उन लोगों ने आके बोला भैया क्या कलर चेंज करा लिया, मतलब हाँ, तो मालूम चलता है यार, अभी जहाँ जहाँ भी जाएंगे ना अपन तो रिएक्शन मिलेंगे अपन को तगड़े। क्या भागी भाई GT गाड़ी दिख रही है यार बाबा, नंबर वन ही दिख रही है, क्या कर रहा हूँ बता, अलग पूरी गाड़ी चेंज ही दिख रही है, ऐसा लग रहा है पूरी चेंज हो के आ गई गाड़ी, ये GT को BMW बनवा दिया यार तूने तो, सही है ना। लोग दे रहा है GT, सोचे भी नहीं रही कि GT BMW में तब्दील हो जाए, पहली GT है भाई अपनी, गजब लग रही यार, रोड में जब चलेगा ना तो अलग ही एक्सप्रेशन जमाएगी ये गाड़ी, दे यार बाबा यार एक नंबर, मजा आएगा यार चला के आना, देख रहे हो ना गाइस BMW क्या लग रही यार, एक नंबर लग रही भाई लोग यार GT। गाइस तुम्हारा भाई ना BMW M1000RR S1000RR भाई बहुत बड़ा दीवाना हूँ, मेरी ड्रीम बाइक है ये, जो कलर स्कीम हमने कराई ना भाई वही पसंद है। तो BMW कैफे रेसर बनाने का मतलब यही था भाई, मेरे पास ना BMW का ट्रैक सूट भी रखा हुआ है, मेरी मम्मी और मेरी बहन ने मंगाए थे भाई मेरे लिए, मैंने बोला था कि मुझे ये चाहिए, तो मेरे बर्थडे के गिफ्ट में मेरे लिए मंगाए थे पिछले बर्थडे में, तो वो रखा है भाई, मैं सोचता था किसी की S1000RR मिलेगी तो शूट कराऊंगा, ऐसा कुछ सोचता था मैं पहले, लेकिन भाई जब अपन ने अपनी GT को ही BMW कैफे रेसर बनवा लिया तो किसी और की गाड़ी में क्यों कराएं, अब हम इसी में शूट करा लेंगे भाई, है कि नहीं। और भाई बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं, और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है भाई मैं कोई दूसरी गाड़ी चला रहा हूँ, समझ रहे हो, और लोगों को भी ऐसा लग रहा है भाई कि नई गाड़ी ले आया क्या कोई दूसरी, बहुत प्यारा लोग आ रहा है, और वो तो आना ही था यार, तुम्हारे भाई ने दिमाग ही ऐसा दौड़ाया था। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं राज के घर, राज का वेट कर रहे हैं, GT का लुक देख रहे हो भाई, अलग ही लेवल का आ रहा है,
लग नहीं रहा है। ये कलर कराए कि रेडियम वो वाइट वाला पूरा रेडियम है कलर अच्छा किया है तगड़ा बहुत बिंदास कलर बहुत बढ़िया कलर किया वाले जो भी अपन कलर के बारे में गाड़ी के कलर कराते रहते हैं जिसने भी किया बहुत जबरदस्त कलर किया हेलमेट लगाए तो लग नहीं है तो मिल लिया नहीं कर अरे अंकल जी क्या बात मजाक सही है मुझे भी इससे ना मेरे को लग रहा वहाँ यार क्या करवा लिया कोई बंदा नहीं है तो देखे। कैसी लग रही है गाड़ी कई लोगों को तो ये लगेगा ओरिजिनल BMW है हाँ ना भाई लोग रिएक्शन तो इतने खतरनाक मिल रहे हैं ना भाई दुनिया की पहली कॉन्टिनेंटल GT 650 जिसको हमने BMW कैफे रेसर बनाया समझ रहे हो ना दुनिया की पहली और भाई इतने बारीकी से जो भी बंदा देख रहा है वो तारीफ कर रहा है गाड़ी तो 2 साल लगभग पुरानी है क्यों नहीं 2 साल तो नहीं 1.5 साल से ज्यादा ही हो गया गाड़ी को तारीफ कर रहे हैं भाई जिनको नहीं मालूम है ना वो भी बंदे अंकल लोग तक तारीफ कर रहे हैं कि क्या लग रही है बहुत सुंदर लग रही है वाकई में यार BMW का जो ये कलर स्कीम होती है ना भाई बहुत तगड़ी होती है बहुत प्यारी लगती है यस BMW देख रहे हो ना भैया को भी BMW लगी कि नहीं गाइस देख रहे हो ना भाई लोग सही में यार बहुत प्यारी लग रही है कैमरे से तुम लोग जज करोगे हाँ तुम लोग को कैमरे में भी अच्छी लगेगी बाकी तुम सामने से देखोगे ना भाई हाँ भैया नहीं पेट्रोल से इसमें डाल दो बाकी 400 का 18-20 का भैया भाई इसको कोई अब रॉयल इनफील्ड नहीं बोलेगा समझ जो लोग जानते हैं वही बोलेंगे पेट्रोल पंप वाले भैया क्या बोल रहे थे BMW डीजल से चलती है क्या ये ऐसे रिएक्शंस मिल रहे हैं तुम्हारे भाई ने किया कि नहीं एक नंबर चीज़ भाई लोग कमेंट करना अप्रिशिएट करना अपने भाई के काम को तो मज़ा आएगा भाई फिर आगे और भी खतरनाक चीज़ें करने में मज़ा आएगा ना मुझे भी कि मेरे भाई लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम मैं जो भी कर रहा हूँ तो क्या नाम है आपका अरे वाह कौन सी स्कूल में हो आप ओके हाँ आज शाम को 9 या 10 बजे ये रॉयल इनफील्ड की GT 650 है इसको मैंने कल ये ग्राफिक्स कराया हूँ इसमें कल मैं रैप कराता रहता हूँ अलग अलग मतलब ट्राई करता हूँ तो ये कैमरा अलग से लेना पड़ता है सारी चीज़ें अलग से लेना पड़ता है हाँ हेलमेट से अलग रहता है कैमरा सब अटैच करना पड़ता है सब चीज़ें आती हैं अलग अलग उसमें ओके बाय रेसर फोर्स तुम्हारा भाई आ चुका है घर और भाई हमने ना शूट भी किया बहुत तगड़ा फोटोज वगैरह रील्स वगैरह सारी आप लोगों को इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगी तो अपने भाई को इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना जल्दी से जल्दी वहाँ पे भी हमको 5,000 कराना और हमारा मीटअप जो है वो बस होने ही वाला है लगभग हम बस पहुँच ही गए हैं 5,000 सब्सक्राइबर्स पे तो हमारी रेसर फोर्स 5,000 की फैमिली बहुत जल्द हो जाएगी तो मीटअप करने वाले हैं आप लोग सारे लोग पूछ रहे तो भाई इंस्टाग्राम में वो चीज़ अपन लोग देखेंगे कि अपन को कहाँ मीटअप करना है तो उसके लिए इंस्टाग्राम में सारे भाई लोग मुझे फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम में DM भी कर लिया कोई भी बात करनी हो भाई मैं सबका रिप्लाई करता हूँ तो चलो ठीक है गाइस कैसी लगी आपको वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में साइनिंग ऑफ टेक केयर